नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। भारत की महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिलने उनके कार्यालय में पहुंची। इन महिला खिलाड़ियों में टीम के कप्तान रानी रामपाल, मोनिका, निशा, नवनीत कौर, नवजोत कौर, उदय, शर्मिला और नेहा शामिल थी। इसके अलावा टीम के साथ शाहबाद विधायक रामकरण काला भी उपस्थित थे। मंत्री विज ने इन खिलाड़ियों को सोल ओढ़ाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। अनिल विज ने कहा कि ओलंपिक जैसी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में किसी टीम व खिलाड़ी का पहुंचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ओलंपिक में जाने के लिए कई खिलाड़ियों की ख्वाहिशें होती हैं। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत होती रहती है और खेल में इसका कोई महत्व नहीं होता है। महत्व इस बात का है कि ये कितने दमखम के साथ खेली गई है और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने कड़े तेवर अपनाते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अपने अपने दफ्तर में लंबित फाइलों को जल्द से जल्द क्लियर करें और फाइलों को क्लियर करने में देरी मत करें और अपना काम ठीक प्रकार से करें, क्योंकि हमने लोगों की सेवा करने की शपथ ली है। गृह मंत्री ने अधिकारियों को पुनः चेताते हुए कहा कि मैं दोबारा जाऊंगा बाकी दफ्तरों में भी, और गत दिवस भी मैं दफ्तरों में गया था। इनमें अनेक लोगों की दरखास्तें लंबित मिली हैं और बड़ी बड़ी गंभीर दरखास्तें लोगों की मिली हैं, यह सब ठीक नहीं है। अनिल विज ने अधिकारियों को कहा कि मैं सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि ठीक हो जाएं, नहीं तो ठीक करना हमको आता है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी जा सकता हूं और किसी भी दफ्तर में जा सकता हूं। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री अनिल विज की नज़र अब राज्य के नगर निकायों में काम करने वाले सीवरमैन, सफाई कर्मियों, फायरमैन की तरफ है। विज वर्षों से ठेकेदारी पर था, एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं देने वाले इन सभी कर्मियों को सीधे ही रखने के पक्ष धर रहे हैं। इस संबंध में जहां समय समय पर नगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन दिए जा चुके हैं, वहीं कर्मचारी सीधे मंत्री से मुलाकात कर उनके साथ में होने वाले अन्याय के बारे में भी अवगत करा चुके हैं। पूरे मसले को समझने के बाद मंत्री भी इन गरीब कर्मियों का उद्धार करने के पक्ष में हैं। रेवाड़ी के डीसी यशेंद्र सिंह व झज्जर के डीसी श्यामलाल द्वारा कोचली बाईपास विस्तारीकरण योजना को सिरे चढ़ाने को किसानों से सुझाव लेने के लिए बैठक बुलाई गई थी। किसानों ने बाईपास के लिए जमीन देने के बदले 1 से 2.5 करोड़ तक का मुआवजा देने की मांग रखी, जिसके बाद 3.88 किलोमीटर लंबी कोचली बाईपास विस्तारीकरण योजना पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। झज्जर व रेवाड़ी डीसी ने बाईपास योजना के लिए मंगलवार को गाँव शहादत नगर और धनिया गाँव के भू मालिकों को बैठक में बुलाकर बाईपास के लिए जमीन देने को लेकर किसानों के सुझाव मांगे थे। सूत्र बताते हैं इस बैठक में किसानों ने दोनों अधिकारियों के सामने अपनी जमीन का मुआवजा प्रति एकड़ 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक देने की मांग रखी। देश में पहली बार की जा रही लाडो पंचायत के 34वें संस्करण में लड़कियों ने कहा कि सरकार अब किस समय का इंतजार कर रही है। आप लड़कियों की शादी की उम्र पर जनमत संग्रह भी करवा कर देख लीजिए। हर लड़की की ख्वाहिश है कि शादी की उम्र कम से कम संवैधानिक तौर पर 21 वर्ष हो। गत 18 जुलाई से अब तक 4 लाडो पंचायत ऑनलाइन हो चुकी है और लगातार आवाज बुलंद हो रही है कि शादी की उम्र बढ़ाने का सबसे उपयुक्त समय यही है। देश के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज की उस उपलब्धि से पूरा देश खुश है, उन पर इनामों की बरसात हो रही है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी नीरज को खास तोहफा दिया है। AFI ने मंगलवार को नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक कामयाबी को यादगार बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 7 अगस्त का दिन तय किया है। अब हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। इस दिन पूरे देश में जेवलिन थ्रो के टूर्नामेंट कराए जाएंगे। AFI के इस तोहफे से नीरज भी काफी खुश है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मैं अपने देश के लिए प्रेरणा बन पाया हूं। यह मेरे अलावा बच्चों के लिए भी सम्मान की बात है, उन्हें अपना खेल दिखाने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या दोगुनी हो गई है। मंगलवार को राज्य के 9 जिलों में 24 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा 6 केस गुरुग्राम तो 4 केस फरीदाबाद में मिले हैं। सोमवार को 10 केस मिले थे। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई। अब प्रदेश में 415 एक्टिव केस रह गए हैं। हरियाणा में अब कुल मरीजों की संख्या 7,70,363 हो गई है। इनमें से 10,158 की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ 21 और मरीजों के ठीक होने के बाद नेगेटिव होने वालों का आंकड़ा 7,59,790 पहुंच गया है। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.62 यानी 98.62% पर पहुंच चुकी है।
महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट से विधायक रहे नरेश यादव एक सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। उनकी फॉर्चूनर गाड़ी उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब वे कनीना से अटेली की तरफ आ रहे थे और एक तेज रफ्तार डंपर से बचने के चक्कर में गाड़ी एक खड्डे में जा गिरी। हादसे में पूर्व विधायक को हल्की चोटें आई हैं। साल 2005 में अटेली से निर्दलीय विधायक बने नरेश यादव बुधवार को अपने सुरक्षाकर्मी के साथ गाड़ी में सवार होकर कनीना से अटेली की तरफ आ रहे थे। बीच रास्ते में तेज रफ्तार डंपर से बचने के चक्कर में गाड़ी रोड से नीचे उतरकर खड्डे में जा गिरी। धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पूर्व विधायक व गाड़ी में सवार अन्य लोगों को बाहर निकाला गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया गया है। हरियाणा में निजी स्कूलों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी अब सरकार ने कर ली है। अनाप शनाप फीस बढ़ोतरी करने वाले स्कूलों पर एक्शन लिया जाएगा। राज्य सरकार कानून बनाएगी जिससे फीस का कंट्रोल सरकार के पास रहेगा। सालाना अधिकतम 8% ही ट्यूशन फीस बढ़ा सकेंगे। जिन प्राइवेट स्कूलों ने फीस में मोटी बढ़ोतरी की है उन्हें वापस लेना होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही ऑर्डिनेंस जारी करेगी। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इसका ड्राफ्ट तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान के गोगा मेडी में लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध जहारवीर गोगा जी के गोगा मेडी मेले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भादो महीने में लगने वाले मेले को इस बार भी स्थगित कर दिया गया है। यहां पर इस बार भी मेला नहीं भरेगा और यात्रियों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। बता दें कि सिरसा जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर राजस्थान के भादरा तहसील के अंतर्गत आने वाले गाँव गोगा मेडी में आयोजित होने वाले मेले में महीने भर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मेले में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आयुक्तालय उदयपुर, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ एवं सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ की विस्तृत रिपोर्ट एवं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेडी मंदिर में दिनांक 22 अगस्त 2021 से लेकर 20 सितंबर 2021 तक आयोजित होने वाले मेले को स्थगित किए जाने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने वाले मुखिया आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी हिसार के खांडाखेड़ी का रहने वाला है। हालांकि पुलिस ने अभी तक पहचान उजागर नहीं की है। पुलिस की टीम ने पुलिस भर्ती कांस्टेबल परीक्षा लीक मामले में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। इस मामले में गिरोह का सरगना अभी तक फरार है। वहीं इस गिरोह में एक पुलिसकर्मी भी अरेस्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र नामक शख्स को 1 करोड़ रुपए में पेपर बेचने वाले शख्स को देर रात फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की उम्र तकरीबन 36 साल बताई गई है। हालांकि अभी तक पहचान उजागर नहीं की गई है। इस पर कैथल के एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है क्योंकि दूसरे आरोपियों को फायदा पहुंच सकता है। जल्दी पूरा खुलासा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार खांडाखेड़ी गांव के जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है उसकी लंबी पहुंच बताई जा रही है। रिमांड के दौरान पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि उसको आंसर की किसने उपलब्ध करवाई है और उसने आगे किस किस को बेचा है। इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। आप अगर 10वीं और ITI पास हैं और सरकारी विभाग में नौकरी तलाश रहे हैं तो आपके पास नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तीमारपुर दिल्ली ने 2021-22 के लिए एक वर्ष के लिए ITI अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 29/8/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 10वीं और ITI पास होना आवश्यक है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर ने PM से कृषि सुधार कानून रद्द करने की मांग की है। उन्होंने PM को बताया कि किसान आंदोलन से पंजाब की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। वहीं अगले विधानसभा चुनाव के वक्त इससे पंजाब के भीतर सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित होने की आशंका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को 2 पत्र सौंपे हैं जिनमें कैप्टन ने कृषि सुधार कानूनों की तत्काल समीक्षा और रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इन कानूनों की वजह से किसानों में व्यापक आक्रोश फैला हुआ है और पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं जिसमें अब तक 400 से ज्यादा किसानों और खेत मजदूरों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन पंजाब और देश के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि पाक समर्थित भारत विरोधी ताकतें किसानों की सरकार से नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि इस मामले के स्थायी समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी किसानों की जायज मांगों पर विचार करें और आंदोलन खत्म करवाए। कोरोना की तीसरी लहर के लिए सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है डेल्टा वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एक्सपर्ट का दावा है कि वैक्सीनेशन के बाद हार्ड इम्यूनिटी भी इस वेरिएंट को रोक पाने में नाकाम लग रही है। वैक्सीनेशन के बाद भी लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण कब तक रहेगा यह कह पाना मुश्किल है। बता दें कि डेल्टा वेरिएंट के केस सबसे पहले भारत में ही मिले थे। दूसरी लहर में खतरनाक हुए संक्रमण के बाद अगर तीसरी लहर देश में आती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह डेल्टा वेरिएंट को ही बताया जा रहा है। यह एक आदमी से दूसरे तक बहुत तेजी से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में फैल चुका है।
पाकिस्तान में इन दिनों एक सवाल ने यहाँ के मंत्रियों की नींद हराम कर रखी है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन कब करेंगे। इस सवाल पर पाकिस्तान की बेचैनी को मुल्क के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जवाब से समझा जा सकता है। इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जियो टीवी के कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान को महत्व देना चाहिए जिसका वो हकदार है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तानी नेतृत्व को ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे तो हमारे पास भी बहुत से विकल्प हैं। हमें उनकी तरफ से हर बार कहा गया है कि बात होगी, यह तकनीकी कारण है या जो भी हो, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इन दो बयानों को पाक की कमजोर लीडरशिप से जोड़कर भी देखा जा रहा है।